हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल सागर। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी शेन स्टोल के बारे में, एक डेमो प्रोजेक्ट करके दिखाया था। तो अपने क्रोम ब्राउज़र में एक और प्रोजेक्ट मिला है शेन स्टोल के रिलेटेड, ईमेल से क्रैप करने। तो मैंने प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लिया, उसमें वो कह रहा है कि उसे लिस्ट ऑफ ईमेल्स चाहिए न्यूयॉर्क से, तो जितने भी बियर क्लब्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो कह रहा है कि आप एड्रेट जीमेल और याहू और हॉटमेल जो सा ये यूज़ कर सकते हैं, तो आउटसाइड सिटी नहीं होना चाहिए, आपके पास सिटी के अंदर ही होना चाहिए। 500 प्लस आपने जो क्लब्स के जो ई मेल जो वो आपने प्रोवाइड करने हैं। तो इसके लिए सिंपली मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा अपने, यहाँ पर डबल कोटेशन में आपने लिखना है बियर क्लब्स, यानी कि मैं मुझे बियर क्लब्स के वे चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल मैं बियर क्लब्स जो वो टाइप करूँगा, उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स में मैं टाइप करूँगा कि मेरी जो सी रिक्वायर्ड लोकेशन है वो कौन सी है। तो मैंने न्यूयॉर्क में जो बियर क्लब्स जो सर्च करने हैं, तो मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क लिख दूँगा। फिर उसके बाद डबल कोट्स में मैं लिखूँगा, यानी कि वो कह रहा है कि आप कौन से, हमने पिछले अपने वीडियो में gmail.com यूज़ किया था, तो यहाँ मैं @yahoo.com आपको यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डबल कोट्स के अंदर पेस्ट। पेस्ट करने के बाद yahoo.com, तो इसको करते हैं सर्च। तो सर्च करने के बाद आपके पास ये रिज़ल्ट आप शो करवा देगा, यानी कि याहू पे जितने भी आपके ये बियर्स के क्लब के रिलेटेड मेल्स वगैरह उनके हैं, तो वो उसकी लिस्ट शो करवा देगा, ठीक है। तो देखिए आपको ये yahoo.com जो है, ये करने के बाद जस्ट मैंने शेन स्टोल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना स्क्रैप ईमेल्स पे। तो क्लिक करने के बाद ये मेरे पास मेल्स आ जाएंगे, ठीक है। इस फिलहाल तो तीन ही शो हो रहे हैं, तो इनको मैं अपनी एक्सेल शीट पे कर लेता हूँ पेस्ट, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से। तो पेस्ट करने के बाद मैं दोबारा अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाता हूँ, ये तो सिर्फ तीन शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके आपको पता है कि ज़्यादा किस तरह शो करवाना है, जस्ट मैंने सेटिंग पर जाना है। सेटिंग में जाने के बाद मैंने जो यहाँ पर पेजेस जो से वो 10 मेरे बाइट फॉल्ट से 100 कर लेना। तो अब सब आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी।